हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए, आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट मॉस यानी मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के चैप्टर सेकंड स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन यानी प्रतिबल तथा विकृति के पार्ट फोर को कवर करेंगे। और जो स्टूडेंट पार्ट फर्स्ट देखिए पार्ट फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड की वीडियो ना देखें उसे जरूर देखें, लेकिन वो कंपलसरी है इस चैप्टर के लिए, ठीक है। अब देखिए ये जो चैप्टर क्या होगा, इसकी जब थ्योरी क्या होगी, देखिए जब थ्योरी जो हमारी है वो जब ख़त्म हो जाएगी, ठीक है, ख़त्म हो जाएगी, तब क्या करेंगे, इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे उसे सॉल्व कराया जाएगा और जो प्रूवमेंट होंगे उसे भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं, देखिए आज का टॉपिक जो हमारा है क्या है। तो देखिए हुक्स लॉ, हुक्स लॉ यानी हुक का नियम, ये क्या होता है हुक्स लॉ। तो देखिए सिंपली हम क्या करेंगे, इसमें आप लोगों को इसमें क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे जिसमें आप लोगों को क्या करना है, जिसको जो कॉन्सेप्ट होगा उसे माइंडसेट कर लेना है, ठीक है। मोटा मोटा समझिए अगर हुक का नियम क्या होता है, तो देखिए उसे कभी ज़िंदगी में नहीं बोलेंगे आप लोग, दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए जो ये हमारी कोई मान लीजिए मिठाई है, ठीक है, ये हमारी क्या है, मिठाई है। अब ये यहाँ पर देखिए जब हमारी ये सब क्या है, मिठाई है, ठीक है, मान लीजिए ये सभी क्या है, मिठाई है, ठीक है। तो ये हमारी मान लीजिए सभी क्या है, ये हमारी मिठाई है, ठीक है। तो ये सभी हमारी मिठाई हैं, उसके बाद जितनी ज़्यादा मिठाई होंगी उतनी ज़्यादा क्या होंगी, चींटियाँ इकट्ठा होंगी, क्या होंगी, जो चींटियाँ हैं वो इकट्ठा होंगी, जितनी ज़्यादा मिठाई है, ठीक है, जितनी ज़्यादा मिठाई होगी उतनी ज़्यादा क्या होंगी, चींटियाँ वहाँ पर लगेंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, मोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसे आप लोग माइंड सेट कर लीजिए। अब हम बात करेंगे, देखिए एग्जाम्पल्स हम क्या लेके चलेंगे, ठीक है। तो एग्जाम्पल को आप लोग को माइंड सेट कर लेना है, वो ऑटोमेटिक ही सेट हो जाएगा। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा हुक्स लॉ है यानी हुक का नियम है, ये क्या होता है, 100% एक एग्जाम में आपका इससे क्वेश्चन बनता है। तो इसे आप लोग क्या करेंगे, 100% ये क्वेश्चन आता है हुक का नियम। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, मान लीजिए कोई हमारी क्या है, ये देखिए ये हमारी कोई क्या है, स्प्रिंग है, ठीक है, ये हमारी कोई स्प्रिंग है और ये हमारी जो स्प्रिंग है ये हम मान लेते हैं क्या है, ये हमारी 15 mm की है, ठीक है, 15 mm की, ठीक है। अब देखिए जब 15 mm की है तो हम इस पर क्या करते हैं, मान लीजिए इस पर देखिए ये हमारी 15 mm की है। अब हम क्या करेंगे, मान लीजिए इसमें क्या है, जो द्रव्यमान है, ठीक है, जो हमारा द्रव्यमान है m, वो क्या हो रहा है, 1 kg का लग रहा है, यानी जो हमारा इसमें फोर्स लग रहा है वो 1 kg का लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं, देखिए जो हमारा मास होगा, मास वो हमारा क्या हो रहा है, 1 kg का लग रहा है, 1 kg। अब देखिए 1 kg का मास लग रहा है, तो ये हमारा जब क्या होगा, अगर हम कहें वहाँ यहाँ से कि हमारा वेट कितना लगेगा इस स्प्रिंग पर, तो देखिए W बराबर क्या होता है, mg होता है। तो W बराबर m कितना है, 1 है, और g की वैल्यू कितनी है, तो g की वैल्यू होती है 9.8 या 10, ठीक है, तो हम 10 ले लेते हैं। तो यहाँ से हमारा जो वेट लगेगा वो 10 N का लगेगा। अब देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमारा 10 N का क्या हो रहा है, कोई फोर्स या वेट लग रहा है, ठीक है। जब 10 N का लग रहा है तो आप लोग ध्यान से अब इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 mm का यहाँ पर लगा, तो जब हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए कोई हमारी जो स्प्रिंग है, जब हम क्या करते हैं उसको स्प्रिंग पर कोई भी वेट या फोर्स लगाते हैं तो हमारी स्प्रिंग क्या होती है, हल्की सी इंक्रीज़ कर जाती है, ठीक है, हल्की सी उसमें क्या होता है, टेंसाइल क्वालिटी आ जाती है, टेंसाइल फोर्स की जो होती है वो क्वालिटी आ जाती है। तो ये क्या हो कि स्प्रिंग हल्की सी इसमें वृद्धि हो जाएगी। तो मान लेते हैं हम क्या करते हैं, इसमें मान लीजिए कि 1 mm की वृद्धि हो गई, तो ये देखिए हमारी जो स्प्रिंग जो हमारी वृद्धि हुई है वो स्प्रिंग हमारी मान लीजिए इतनी बढ़कर हो गई, देखिए देखिए। तो ये हमारी मान लीजिए यहाँ जो हमारी अभी क्या थी, देखिए यहाँ तक थी, देखिए ये हम बना दे रहे हैं डेड डस्ट, यहाँ तक स्प्रिंग थी, ठीक है। तो 1 mm की देखिए मान लीजिए यहाँ तक क्या हुई, 1 mm की वृद्धि हो गई, ठीक है। तो 1 mm की जब वृद्धि हुई तो इसमें क्या हो गया, इलास्टिक का कोई क्वालिटी होगी, तभी तो स्प्रिंग क्या हुई है, खींची है, ठीक है, अपने जो पोजीशन से वो क्या हुई है, विस्थापित हुई है, ठीक है, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसमें क्या हुआ है, उसमें परिवर्तन आया है। अब देखिए ये हम मान लेते हैं, अब हम क्या करेंगे, अब हम मान लेते हैं इस पर क्या करते हैं, 15 से हम क्या करते हैं 30 N का, 30 mm की हमारी, देखिए 30 mm नहीं, ठीक है, इसको रुकिए 1 मिनट, इसको क्या करते हैं, रेज कर देते हैं, देखिए अब
ध्यान से, ये हमारी जब स्प्रिंग क्या हो गई, हल्की सी टेंसाइल हो गई, ठीक है, तो ये हमारा 1 mm का हुआ। अब देखिए जब हम क्या करेंगे इसमें, जब अलग हमारा वेट जो है हमारा, जो हमारा 10 न्यूटन था, अब हम इसमें करते हैं 20 न्यूटन। 20 न्यूटन का जब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर हम 20 न्यूटन इस स्प्रिंग में हमने क्या किया, वेट या फोर्स लगाया। तो जब हम इसमें 20 न्यूटन का लगाएंगे तो ये देखिए स्प्रिंग हमारी और इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। देखिए ये हमारी स्प्रिंग हो गई, ठीक है। अब जब ये हमारी स्प्रिंग में क्या हुआ, यहाँ तक देखिए अभी स्प्रिंग यहाँ तक थी, अब हम मान लेते हैं देखिए इसमें और जगह नहीं है हल्की सी, ठीक है, तो ये हमारी मान लीजिए इसमें क्या होता है 2 mm की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है इसमें 2 mm की फिर से क्या हो गई, टेंसाइल की क्वालिटी हो गई, ठीक है। मतलब क्या हुआ, उसको स्प्रिंग को खींचा तो 2 mm की फिर से क्या हो गई, वो स्प्रिंग बढ़ गई। अब देखिए ये कब तक बढ़ता रहेगा, जब तक क्या होगी इसकी इलास्टिक जो लिमिट है वो ना आ जाए, ठीक है। इलास्टिक लिमिट जो है वो नहीं जब तक आएगी तब तक ये क्वालिटी चलती रहेगी, बढ़ता रहेगा, जितना फोर्स लगाएंगे उतना बढ़ेगी, जितना फोर्स लगाएंगे उतना बढ़ेगी स्ट्रेंथ। अब देखिए मेरा वही कॉन्सेप्ट है कि जितनी मिठाइयाँ रहेंगी उतने ज़्यादा चींटियाँ उस पर लगेंगी, ठीक है। वहाँ पर जो चींटियाँ होंगी वो उतनी ही खट्टा होंगी, ठीक है। अब देखिए तो ये तो हमारा हो गया कॉन्सेप्ट, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया, जितना ज़्यादा फोर्स लगाया उतनी ज़्यादा हमने हमारी क्या हुई स्ट्रेंथ जो हमारी है वो हमारी क्या हुई, डेवलप हुई या बढ़ी, ठीक है, इंक्रीज करी। अब जितनी ज़्यादा जो स्ट्रेंथ, देखिए आप इसको आप समझिएगा, तो जब हम कहें कि एफ, ठीक है, जितना ज़्यादा फोर्स हमने लगाया उतनी ज़्यादा हमारी ये कोई स्ट्रेंथ है मान लेते हैं, तो स्ट्रेंथ हमारी बढ़ेगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ इसको जब हम ये प्रोपोर्शनल का जो हम लिमिट हटाएंगे, क्योंकि हम कह रहे थे कि जितनी ज़्यादा बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा हमारी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, जब चींटियाँ मिठाइयाँ बढ़ेंगी तो चींटियाँ भी बढ़ेंगी, ठीक है, मिठाइयाँ घटेंगी तो चींटियाँ भी घटेंगी, ठीक है। तो ये आपका देखिए यहाँ से क्या होगा, जो हमारा ये जो इसको प्रोपोर्शनल का जो मार्क है ये इसको हटाएंगे तो हमारा कोई कॉन्स्टेंट मान लेते हैं, हमारा कोई कॉन्स्टेंट वाई आ जाता है, देखिए कोई कॉन्स्टेंट हम क्या मान लेते हैं इसमें वाई आ जाता है, ठीक है। जो वाई आ जाता है, अब देखिए तो वाई और एक्स, ठीक है, ये हमारा क्या है वाई, ये हमारा कैपिटल वाई है, ये हमारा स्मॉल वाई है। अब देखिए जो हमारा एफ आएगा ये क्या आ जाएगा, तो एफ अगर हम कहें ये तो हमारा क्या था, यही हमारा कहलाता है हुक्स लॉ, देखिए हुक्स लॉ, यही हमारा क्या है हुक्स का नियम होता है, यही जो कांस्टेंट होता है यही हमारा हुक्स लॉ कहलाता है, या कह सकते हैं यही मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहलाता है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए ध्यान समझिएगा कि ये अगर हम यहाँ से कांस्टेंट की वैल्यू निकालें, कांस्टेंट की वैल्यू देखिए इसको हम रेज कर देते हैं एफ को और कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे तो क्या बनेगा, तो देखिए कांस्टेंट वाई जो है कैपिटल वाई, इसकी जब वैल्यू निकालेंगे तो एफ अपॉन वाई आ जाएगा, एफ अपॉन वाई, ये हमारा कोई फोर्स था जिसको हमने लगाया था स्प्रिंग पर या वेट था, और ये हमारी कोई स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो हमारी 1 mm 2 mm बढ़ी थी। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें कि इनके बीच अगर क्या किया जाए, ग्राफ खींचा जाए, ठीक है, ग्राफ, तो देखिए ये हमारा फोर्स एफ है और ये हमारा क्या है, ये हमारा वाई है जिसको हमने बताया स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखिए जब क्या होगा, जितनी ज़्यादा मान लीजिए इसमें हमने क्या किया, यहाँ पर देखिए 10 हमने क्या किया, 10 न्यूटन का हमने फोर्स लगाया, ठीक है, या पहले यहाँ पर हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारा 5 न्यूटन की इसमें स्ट्रेंथ भी आ जाएगी, ठीक है, 5 न्यूटन, फिर 10 न्यूटन लगाएंगे तो देखिए यहाँ पर 5 क्या हुई, 5 जो हमारी स्ट्रेंथ हो गई, ठीक है, 5 mm की। अब देखिए 10 न्यूटन का जब लगाया तो 10 mm की यहाँ पर क्या हो गई, वृद्धि हो गई, और उसके बाद देखिए ये हमारा पॉइंट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए 5 का बढ़ाया तो हमारा उतना ही क्या होगी, 5 की ये जो स्ट्रेंथ है ये भी बढ़ गई, 10 का लगाया तो 10 की ही बढ़ गई। अब देखिए जो हम अगर 15 की लगाते हैं तो 15 की भी हमारी देखिए ये पॉइंट आ जाएगा और ये हमारा 15 का भी ये स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार से 20 का लगाएं तो ये हमारी 20 की भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार 20 देखिए 25 की लगाते हैं तो 25 की, इसी प्रकार से 30 की लगाते हैं तो 30 की बढ़ जाएगी। अब देखिए हमने बताया था जब चैप्टर शुरू किया था पार्ट सेकेंड में बताया था शायद कि पार्ट सेकेंड में क्या होता है कि देखिए पार्ट सेकेंड बताया था जो हमारा ये फोर्स है, ये फोर्स हमारा ही मान लेते हैं कोई प्रतिबल है, स्ट्रेस है, ये हमारा मान लेते हैं स्ट्रेन है, दोनों एक ही क्वालिटी को दर्शा रहा है।
तो देखिए इसके बीच आप देखिए ये जब बढ़ रहा है दोनों, तो क्या होगा इनके बीच, देखिए ये हमारा ग्राफ, ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन है ये आपकी बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन एक तैयार हो जाएगी। इसके अनुसार दोनों ही बढ़ रहे हैं तो स्ट्रेट लाइन हमारी बन जाएगी। अब हमने आप लोगों को बताया भी था कि जो हमारी प्रतिबल होती है और जो विकृति होती है, तो इनके बीच हमारा ग्राफ जो होता है स्ट्रेट लाइन को प्रकट करता है, ठीक है, बनाता है, तैयार करता है, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान समझिएगा, ये तो हमारी हो गई कि जो हमारा हुक्स नॉ है। अब देखिए ये जब हमारा इसको डिनोट कर रहा है, तो अब देखिए इसमें क्या होगा, ये कब तक चलेगा, जब तक हमारी कोई इलास्टिक लिमिट नहीं आ जाएगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, तो ये हमारी हो गई क्या कोई, अब यही हमारी क्या हो गई, देखिए यही हमारी हो गई, ये हमारा प्रतिबल हो गया, ठीक है, एफ, और ये हमारी क्या हो गई, विकृति हो गई, ठीक है। तो ये हमारी विकृति हो गई, ठीक है, जो वाई है, तो ये हमारी कोई विकृति हो गई ई, ठीक है, क्योंकि इन्हीं को ये डिनोट करता है। तो देखिए अब हम बात करते हैं कि एफ जो हमारा प्रतिबल हो गया, इसे पी से भी डिनोट करते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अब देखिए एफ जब क्या होगा, इंक्रीज करेगा, तो ए जो ई है विकृति है ये भी इंक्रीज करेगा, बढ़ेगा, ये घटेगा फोर्स, तो ये भी हमारा विकृति भी घटेगी। अब यहाँ से देखिए जो हमारा क्या होगा, कॉन्स्टेंट आया था हमारा कैपिटल वाई, तो ये हमारा मान लेते हैं कैपिटल वाई या ई भी मान सकते हैं। तो ये हमारा देखिए, तो ये वाई बराबर हमने बताया कि एफ अपॉन ई आया था, या पी अपॉन ई कह सकते हैं। तो यही हमारा क्या है, यही हमारा हुक्स का नियम है कि जो हमारा प्रतिबल क्या होता है, विकृति के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या हो गया, हुक्स का नियम ख़त्म होता है, ठीक है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।